अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो 5 क्लास की रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं और उसमें से जो डेफिनेशंस है डेफिनेशंस करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट डेफिनेशंस किस चीज़ की है? अच्छा, फर्स्ट डेफिनेशंस ने आप लोगों को इसमें बताया हुआ है कि नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के बारे में। अच्छा, जो भी पार्ट्स ऊपर लिखा हुआ होगा ना, जैसे कि 4/5, तो ये क्या होगा? नोमिनेटर्स होगा और ये डिनोमिनेटर्स होगा। जस्ट फर्स्ट डेफिनेशंस के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन के, इन तीनों के डेफिनेशंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जो नोमिनेटर्स लेस देन और डिनोमिनेटर्स है। अब नोमिनेटर्स क्या था कि 1/4 ये छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है। 2/3 ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये याद रखने के प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन दोनों आ सकते हैं। देखेंगे, ये देखेंगे 5/4 1/4 ये इसमें कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब आप लोगों को साथ साथ ये बताते चलूँगी, ये 1/4 जो बेसिक मैथ कर रहे हैं उनके लिए ये समझना लाजमी है, और जिनकी मैथ है उनको तो ऑलरेडी पता होगा। ये देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 4 और फिर ये ऐड कर देना है, तो ये 5/4 बन जाएगा इसे, ठीक है। और ये लिखने का तरीका भी यही है कि आप लोगों ने ये वाला लिखने का, ये मतलब इसको ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करके लिखना है कि 5 को अंदर, 4 को बाहर, 5 1 4 1 4 1, तो 4 को नीचे लिखना है, ये वाला 1 ऊपर और साइड पे ऐसे। ये देखें कि ये लिखने का तरीका भी आना चाहिए और ये क्यों लिखा हुआ है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि किसी भी नंबर्स को अगर कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो आप लोगों को, 1/3 + 3/4 ये कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो, आप लोगों ने इसको ऐड कैसे करना है? आप लोगों ने इसका सिंपल एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ये होगा कि आप लोग नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे कर लें कि ये कोने में एलसीएम लिया हुआ, ऐसे कर लें। अब जो आप लोगों को इजी लगता है आप लोग वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसमें नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में ताकि ईजी हो जाए हम, तो फिर जो भी एलसीएम होगा उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है और एलसीएम से ही क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये क्या बन जाएगा? 4 और ये क्या बन जाएगा? 3, ठीक है। कैंसिल आउट हो गए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को से किया 9, 12 नीचे वैसे चला हुआ था, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 13/12 बन जाएगा। ये देखें 13/12 इसका आंसर आ गया। इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अब आप लोगों पर डिपेंड करते हैं कि आप इस गेम को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं। ये वाला करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी ठीक है। अब एडिशन भी ऐसी ही होगी, सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो आप लोगों को बताई होगी, अब ये देखेंगे सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही होगी। दो फ्रैक्शन गिवन हो और उसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी हो तो भी ऐसे ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका है कि एलसीएम फाइंड करने का, अगर दोनों एक ही टेबल में आते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसका एलसीएम बन जाती है, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा? 8 को हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। हम ये डायरेक्ट रूल कर रहे हैं ताकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हमें इजी हो जाए। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 4 को 1 से किया 4 और इधर 3 आ जाएगा, 3 में से 4 में से ये -3 किया तो 1/8 बन जाएगा। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। ये डायरेक्ट करना है आप लोगों ने ऐसे, ताकि एमसीक्यूज और मैथ में तो वैसे भी ज़्यादा टाइम वे हो जाता है वेस्ट, तो आप लोगों ने कोई भी शॉर्ट वेस्ट निकालना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ 90 मिनट्स होते हैं पेपर देने के लिए और 100 MCQs होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना नीचे इस वाले को, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, 8 को इस तरफ भी इस तरफ भी जो भी रकम हो उसको कैंसिल आउट करके, और नीचे भी एलसीएम से ही मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें 8 को नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 - 3 बच गया और 8, ठीक है। ये वाली एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल नंबर 1 किया, 1/8 उसका आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? अब ये देखिए कि मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है कि अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना हो एग्जांपल नंबर 1 में
सिंपल करनी है, ऊपर वाले रकम को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वालों को नीचे वालों के साथ, ठीक है। यह आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाएगी। अभी देखेंगे एग्जांपल नंबर टू में क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर टू में कह रहा है कि 2/7 मल्टीप्लाई बाय, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8/7 का 7 आ जाएगा। ओके, इतने बड़े आप लोगों ने चक्कर में नहीं पढ़ना। ये देखेंगे ये 8/7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और रूल आप लोग इधर सीख लें कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 19/8 को डिवाइड करना है 4/7 से। जिस जगह पे डिवाइड का साइन आ जाए आप लोगों ने उधर चेंज कर देना मल्टीप्लिकेशन में, और इसको जो लास्ट वाली रकम होगी उसको भी चेंज कर देना ऐसे। ओके, चेंज हो गया। अब आप लोगों ने ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें इधर, ठीक है, ये चेंज होके आ गया ऐसे, मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा। ये इधर लिखा भी हुआ, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, अगर जहाँ डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये देखें कि एग्जांपल नंबर थ्री में क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर थ्री में कर रहा है कि वो इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग देखें कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें कहता है कि पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका काम क्या होगा कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर देखिए दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के अंदर क्या दिया हुआ, एडिशन दिया, तो आप लोगों ने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। ये देखें, ओके, एलसीएम को वैसे ही सॉल्व कर लेना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी 6 के साथ इधर भी 6 के साथ। 3 से कैंसिल हो गया, इधर बच जाएगा 2, इधर बच जाएगा 3। ये देखें 3 और 2 बच गए, और ये इधर लिखा हुआ है। ये अभी भी देखें, जब ये 5/6 बच जाएगा, 5/6, ये 5/6 बच जाएगा, बाहर 1/5 से मल्टीप्लाई, और 5 को 5 से ये 30 बन जाएगा। हमने ये इसकी ये वाली साइड प्रूव कर ली, हमारे पास आंसर आ गया था 5/6। सेम हमने ऐसे ही प्रूव करना ये वाला। ये देखें, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दी है, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वालों के साथ। ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन गया, ये 15 बन जाएगा। ओके, अब आप लोगों ने इसका, अब ये देखेंगे फ्रैक्शन आ गई, ये 2। अब ये फ्रैक्शन को ऐड कर, अब हमने इधर एलसीएम लेना, एलसीएम इसका 30 बन जाएगा, 30 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी। अब ये देखें ना आप लोग, अब इसका एलसीएम कैसे बनेगा, 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लेना, एलसीएम ये 15 है, ये 15 5, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 30। आप लोगों का फर्स्ट काम क्या होगा कि ऐसे डिवाइड करना है 30 के साथ नीचे, और 30 के साथ ही दोनों तरफ। जिनकी मैथ है वो तो समझ सकते हैं, इधर 3 आ जाएगा, ये 10 को इससे कैंसिल करके इधर कितना आ जाएगा, 2। अब 3+2 आ गया, और 30 नीचे चल रहा है, ये 5/30 आंसर आ जाएगा। ये देखें इधर, ये 5/30 आंसर आ गया। एलसीएम मैंने आप लोगों को लेके दिखा दिया, 5/30 आंसर आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, 1/6/6 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को यही प्रूव करना था, ठीक है। आज हमने एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस किए, कल हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आज बस इतना ही करते हैं।